हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन। जी हाँ गाइस, आप सभी लोगों का स्वर्ग में स्वागत है। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या होगा अगर हम इन दोनों होल्स में और इन दोनों होल्स में एक ही वायर को डालें तो। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर हम वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारा कुछ मैकेनिज्म जो है इस तरीके का होने वाला है। और हम यहां पर कट लगा करके और बॉल जला करके देखेंगे कि जलता है या फिर नहीं। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा बल्ब है वो पूरी तरीके से जल रहा है और अब हम इसे वायर के साथ जला करके देख लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने रेड वायर और ब्लैक वायर को अलग अलग कर दिया है। और गाइस, हम लोगों ने अपने घर का इन्वर्टर को लगभग डिस्चार्ज कर दिया है। तो हम देखेंगे कि क्या हम अगर इस स्विच को ऑन करते हैं तो क्या इन्वर्टर पर भी प्रभाव पड़ता है या फिर नहीं। तो गाइस, चलिए हम सिंपली इस बटन को प्रेस करते हैं और हमारा जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब देर है तो सिर्फ बटन प्रेस करने का। चलिए हम स्विच को ऑन कर लेते हैं। गाइस, यहाँ जो बल्ब है ये अभी तो जल रहा है, अब देखते हैं स्विच ऑन करने के बाद ये जलता है या फिर नहीं। तो मैं स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ। ओ गाइस, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ का जो बल्ब था वो भी फ्यूज़ हो गया शायद, और जो हमारा इन्वर्टर है वो भी पूरी तरीके से आवाज़ कर रहा है। सो गाइस, हमारा इन्वर्टर जो है कुछ उस तरीके से दिख रहा था, पर लाइन देने के बाद वो इन्वर्टर जो है फिर से सही ढंग से काम करने लगा। और गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था लेकिन मज़ा भी बहुत आया गाइस इसमें। पर ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है वो फ्यूज़ हो गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस। ख़त्म हो गया।